हेलो, वेलकम टू आवर चैनल किडनी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा। स्वागत है आप सभी का कर्म आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पर। आपके साथ मैं हूँ विशाखा। इस चैनल पर आप किडनी से जुड़ी हर तरह की जानकारी आसानी से पा सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि डेयरी प्रोडक्ट्स कैसे किडनी को इफेक्ट करते हैं। किडनी पेशेंट्स को डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने को कहा जाता है। इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि फर्स्ट, किडनी पेशेंट्स अगर मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं तो उनका डाइजेशन प्रोसेस वीक हो सकता है, क्योंकि मिल्क में कैल्शियम, प्रोटीन, आयोडीन, पोटेशियम, फॉस्फरस, विटामिन B12 और विटामिन B2 होते हैं, जो किडनी पेशेंट्स के लिए हार्मफुल होते हैं। इनकी कंजम्पशन से किडनी पेशेंट्स को एसिडिटी और वॉमिटिंग्स जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। सेकेंड, कंटामिनेशन मिल्क ज़्यादा कंज्यूम करने से कार्सिनोजेनिक प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। इसकी ज़्यादा कंजम्पशन से कैंसर के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। थर्ड, किडनी पेशेंट्स अगर मिल्क डॉक्टर के एडवाइस पर लेते हैं तो ध्यान रखें कि मिल्क को डायरेक्ट फॉर्म में ना लें, मिल्क हमेशा इनडायरेक्ट फॉर्म में लें। डायरेक्ट फॉर्म में मिल्क किडनी पेशेंट्स के लिए हार्मफुल होता है। फोर्थ, डेयरी प्रोडक्ट्स में विटामिंस, न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फरस, पोटेशियम और प्रोटीन अच्छे अमाउंट में होते हैं, इसलिए किडनी पेशेंट्स की किडनी पर प्रेशर पड़ सकता है। लास्टली, मिल्क खाली पेट ना कंज्यूम करें, इससे पेट दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। कई हेल्थ प्रॉब्लम्स में मिल्क की कंजम्पशन हार्मफुल होती है, जैसे कि थायराइड, UTI और किडनी प्रॉब्लम्स। तो आज हमने आपको बताया कि डेयरी प्रोडक्ट्स कैसे किडनी को इफेक्ट करते हैं। अगर आप या आपका कोई अपना इस बारे में और जानकारी चाहता हो तो आप कर्म आयुर्वेदा किडनी केंद्र में जरूर संपर्क करें। संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। ये इन्फॉर्मेशन अगर यूजफुल लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।